A very kind request to you, please subscribe the channel and hit the bell icon for further updates. Well, hello dear all. In this video, we will talk about the NEET eligibility criteria for Mop Up Round counseling. So guys, आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि Mop Up Round counseling स्टार्ट हो चुके हैं. सो मैं Mop Up Round के क्राइटेरिया के बारे में बता दूँ कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं. काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, छोटा मोटा डाउट रहता है, और मुझे कमेंट्स में भी काफ़ी आया, जो सच बात बोल रहा हूँ मैं, और मेल्स पे भी आए. इवन दो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे पैंस ने ये भी बोला कि सर कोई नहीं अच्छे से बता पा रहे हैं. तो इस वजह से मैं क्लियर बता रहा हूँ. आप में से ऑब्वियसली कितने लोग हैं अपडेटेड रहते हैं, अच्छी बात है. लेकिन जो लोग मेरे पे भरोसा करके हैं, मैंने उनको वादा किया था कि नहीं भाई, मैं जितना हो सकेगा मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा और ट्राई करूँगा कि बेस्ड ऑन योर मार्क्स और रैंक्स एडमिशन आपका हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट. मैं अपना जितना हो सकता है काउंसलिंग करूँगा. सो उनके लिए है लाइव सेशंस, प्लीज़ देख लीजिए. आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है. तो पहला है, देख लेते हैं वन बाय वन कि पहला कौन अप्लाई कर सकते हैं. पहला तो वो लोग हैं जो कैंडिडेट हु क्लियर द नीट कट ऑफ 2018 कैन अपेयर फॉर नीट मॉप राउंड. मतलब जो ऑलरेडी अपेयर कट ऑफ तो क्लियर कर दिया उन्होंने, वही अपेयर कर सकते हैं. मतलब ये तो बेसिक है, मतलब ये कुछ ऐसा है नहीं, आपको पता होगा. बट एक बता देता हूँ कि कुछ ऐसा नहीं माइंड में आ जाए कि सर मैंने तो कट ऑफ नहीं किया था क्रॉस और क्या मुझे मॉप राउंड मिल जाएगा क्या. नहीं भैया, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है. पहला तो आपको बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको कट ऑफ तो पार होना ही चाहिए, ठीक है. अब बात है जो मेन इंपॉर्टेंट है वन बाय वन पे, पहला. दूसरा बात करते हैं, कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर नीट यूजी काउंसलिंग बिफोर कैन पार्टिसिपेट इन द मॉप राउंड. मतलब आप सोए हुए थे, आपने अभी तक तो कुछ रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया. कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर नीट, मत सो रहे थे, या फिर बोलिए पैसे आपके पास नहीं थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए. जो भी इशू है आपके ऊपर है, ठीक है. आप नहीं भी थे कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छी बात है. अब आप अवेयर हुए, अब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बेस्ड ऑन योर मार्क्स. और प्लीज़ जाके पिछले वीडियो तो कम से कम देख लीजिए हम लोग का, आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पे कौन से क्लास में कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, काफ़ी अच्छे से आ जाएगा, ठीक है. अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वो भी आपको करने को रेडी हूँ. तीसरा बात कर लेते हैं, तीसरा क्राइटेरिया जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं हु हैव रजिस्टर्ड इन नीट काउंसलिंग बट डिड नॉट गेट अ सीट कैन अपियर फॉर द मॉप अप राउंड काउंसलिंग. मतलब आपने क्या किया, रजिस्टर करा लिया बट अपियर ही नहीं हुए. यू हैव रजिस्टर फॉर नीट काउंसलिंग बट डिड नॉट गेट अ सीट्स फॉर, आपने रजिस्टर कर लिया आपको सीट मिला ही नहीं. ये सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्वियसली मॉप अप राउंड में अप्लाई कर सकते हैं. मतलब आपने रजिस्टर कर लिया सर, ऑब्वियसली नहीं मिलता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है. मॉप अप में ट्राई कीजिए, वीडियो देखिए जम के, वहाँ पे कहाँ बेस्ड ऑन रिमार्क्स अप्लाई कीजिए. नहीं होता है कमेंट बॉक्स में डालिए, उम्मीद है आपको मिल जाएगा, ठीक है. लिस्ट लास्ट बात कर ले तो कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट और सेकेंड राउंड एंड गॉट अ सीट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड. मतलब कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट किया उन्होंने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में नीट काउंसलिंग में 2018 एंड गॉट अ सीट, मतलब सीट भी मिल गया बट सीट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड. मतलब आपको मिल गया तो आप किस बात के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है. लेकिन फॉर फ्यूचर क्या है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. समझ ही लीजिए ये सब चीज़ों को. अगर अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं वो भी सॉर्ट आउट कर दूँगा. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में बनाने वालों को आपको बता दूँ स्टेप्स टू पार्टिसिपेट, कैसे फोकस करना है वो भी एक अच्छे लिए आपके लिए होगा. स्टेप टू पार्टिसिपेट इन नीट मॉप अप राउंड, तो उम्मीद है वो भी देख लीजिएगा, हेल्पफुल होगा.